नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। बस्ती बड़ी खबर मिल रही है रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नैखेड़ा, जहां पर ग्राम पंचायत नैखेड़ा में चारों तरफ गंदगी का डेरा। रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नैखेड़ा में ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्राम पंचायत में गंदगी का डेरा जमा हुआ है। लगातार जहाँ एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद स्वच्छता का संदेश और प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सरपंच पति एवं जिम्मेदार अधिकारी यहां पर स्वच्छता अभियान में पलीता लगाने को जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राम के हालात गंदगी के चलते बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राम की मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ मची हुई है, जिसके चलते स्कूली बच्चों एवं ग्राम में आने जाने वाले सभी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पक्की सड़कों पर गंदगी बचबचा रही है और नालियां चूक पड़ी हुई हैं। कोई भी सफाई करने वाला नहीं है, ना ग्राम पंचायत से सफाई हो रही है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देकर इस सफाई को दूर करा रहे हैं, जिसके चलते पूरी सड़कों पर गंदगी फैली हुई है और ऐसा लगता है कि मानो सफाई करने वाला सिस्टम इस गाँव में नज़र ही नहीं आता हो, जिसके चलते चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य प्राप्त है। गाँव में सभी जगह गंदगी होने के चलते कई प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ यहाँ पर ग्रामवासियों को होती जा रही हैं, जिसके चलते ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों ने कई प्रकार की शिकायतें की सब जगह ग्राम पंचायत से लेकर आला अधिकारियों को, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह गांव में गंदगी पसरी हुई है। आगे देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जाकर कब ये गाँव में फैली गंदगी को दूर कराते हैं। बंद कर लें, इस तरह का यह कीचड़ है, इसमें क्या क्या परेशानी होती है आपको आने जाने में? अरे आप साहब देख ही रहे खुद, गाड़ी तक नहीं ढंग से निकल रही, आदमी पैदल चलना तो मुश्किल हो गया है। को इसकी शिकायत आपने किसी से की, सरपंच सचिव से, इस पंचायत द्वारा इसकी? सरपंच प्रतिदिन इस रास्ते निकल रहे हैं, उनसे शिकायत करने की क्या जरूरत है, बिना खुद देखना चाहिए। सुना तो भी नहीं है, नहीं भराने का चक्कर और जो भरा जा रहा पूरे में। सर ये आपके घर के सामने इतना कीचड़ है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या बताएं, प्रशासन ही पूरा भ्रष्ट है और उस भ्रष्टता के साथ ये सब कार्यक्रम हो रहा है। सब पैसा आता है इसका, खा जाते हैं, और जो ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं उनकी वजह से ये कीचड़ ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, इस सड़क पर इतना पानी बह रहा है, गंदगी है, इस गंदगी से के क्या क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या हानियाँ हैं इससे? गंदगी से बहुत सारी दुष्प्रभाव, मच्छर भी पनपते हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को, न वाहनों को, और इससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। जैसे बीमारियां तो होंगी, मच्छर हो गए पैदा तो जी। सरपंच साहब, इस कीचड़ के बारे में क्या कहेंगे, आने जाने में आदमों को बहुत दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत हो रही है, पाइपलाइन खुदी है तो बाप, हाँ काम लगवा बा को, जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए बा। और इसमें जो गंदगी बहुत है, इससे बहुत बीमारियां पड़ रही हैं, इस विषय में क्या कहेंगे, इस गंदगी के बारे में? इस विषय में क्या कहेंगे, वो भाँस कछुआ अपनी जोर आ ही नहीं रहो, आए तो अपन गंदगी अलग करूँगा यार।